नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चश्मा। मैं हूं आपके साथ अश्विन। एक बार फिर मैं आया पूर्वांचल की कुछ चुने हुए विधानसभा की बात मैं आपसे किया था उसके बारे में दिखाऊंगा, और साथ में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल की बात न की जाए तो अधूरा रहेगा। पूर्वांचल ही जो जीतेगा वो लखनऊ की गद्दी पर राज करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि प्रतापगढ़ एक ऐसा जनपद है जो आंवले की खेती के लिए जाना जाता है, जो सेहत के लिए लाभदायक होता है। लेकिन यहाँ की सीट अगर भाजपा जीतती है ज्यादा से ज्यादा, तो उसके सरकार बनाने पे सेहत पे भी असर पड़ेगा। इस समय सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा काम कराने वाले विधायकों में अगर गिनती की जाए तो प्रतापगढ़ पूर्वांचल में, प्रतापगढ़ एक जनपद आता है, वहां के विधायक रानीगंज से धीरज ओझा है। धीरज नाम से फेमस है, असल में उनका नाम है अभय कुमार ओझा। उनसे बातचीत के लिए हमारी टीम आज सुबह से उनको फॉलो कर रही थी, लेकिन इतने व्यस्ततम कार्यक्रम से आज अभी रात को हमको मिला है। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद विधायक जी। आज जानेंगे किस तरीके से आपने काम किया, क्योंकि चर्चाएं क्षेत्र में बैठ गए, आपके तरफ से लोग बोल रहे हैं, और साथ में आपके बचपन के बारे में जानेंगे, राजनीति माने का परपच, इन तमाम सवालों पर जानेंगे। सबसे पहला सवाल है कि आप उठते कब हैं, खाते कब हैं? जब देखता हूं तो हमेशा जनसंपर्क में रहती, घर पे, आवास पे, आपके कार्यालय पे, अभी इतनी रात में भी आप जनसंपर्क कर रहे हैं कई कार्यक्रम। किस तरीके से आप इसे मैनेज कर पाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहला यही सवाल मेरा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं समाज के लिए अपना जीवन दे दिया। जी जी। और निश्चित है जब भी जनता की जरूरत पड़ती है तब मैं उनके लिए रात को भी खड़ा रहता हूँ, दिन को भी खड़ा रहता हूँ। सोना जगना मेरा जीवन अब समाज के लिए है, अब उनकी जरूरत हमारी है, उनको है हमारी, तो मैं उनके लिए खड़ा मिलता हूँ। और निश्चित आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि मैं जगता कब हूँ, सोता कब हूँ, कहाँ सो पाते हैं। चार घंटा सोए फिर उठ गए, फिर कोई काम आ गया, फोन आ गया तो करना पड़ा, कभी किसी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी तो उसके लिए फोन करा, पुलिस की जरूरत पड़ी उसके लिए फोन, ये सब मामला हमारा लोग का चलता रहता है। लेकिन आपका जीवन जो है, ये आप सही कह रहे हैं कि मेरा जीवन अब समाज के लिए है, जनता के लिए है। जनता के लिए जितना मैं काम कर पाऊँ उतना समझ लीजिए कम है, इसलिए मैं उनके जनता के विषय में सोचता रहा। तो रात में भी अभी मैं देखिए, अभी मेरी और दो मीटिंग है, अभी मैं एक जगह रोज जा रहा हूँ, फिर हमारी सवंसा की मीटिंग रहेगी, तो निश्चित मैं जनता के लिए हरदम काम करता रहता हूँ। अभी कई मीटिंग हमने किया है, आपने देखा भी, भीड़ हो रही सब जगह, बिल्कुल आपके गले से भी लग रहा है कि आप काफी काम किए हैं, और विकास का काम अभी आप पूछेंगे तो उसके बारे में बिल्कुल मैं उस पे सवाल पूछूंगा, बताएंगे। लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद जब से जुड़ा, युवा मोर्चा में आया, तब से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, और मैं जिला पंचायत सदस्य 2015 बना, उसमें भी आया। सर अभी दूसरा सवाल मेरा पूछेंगे कि आपने बताया कि, मैं तो समझ गया कि आप जनता के लिए समर्पित हैं, और दिखता भी है लोगों को हुजूम। सर बचपन कैसे रहा आपका, बचपन की कौन सी यादें अब मिस करते हैं? जैसे आप बहुत जगह जाते हैं, आपका घर यहीं रहा, तो बचपन की यादें कुछ बताएं। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कैसे हुई, क्यों आपको लगा कि भविष्य में, आप कभी सोचे थे कि बचपन में कि हम कभी विधायक बनेंगे या कैसा कुछ, थोड़ा शॉर्ट में आप बताइएगा। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं गाँव में प्राइमरी में पढ़ने आया, उस दिन तो प्रतापगढ़ शहर मेरा मकान था, वहाँ भी पढ़ा, लेकिन मेरी कुछ तबीयत खराब हुई तो माता जी और पिताजी कहने गांव में आप पढ़ोगे, प्राइमरी में पढ़ने आया। तो उस समय टाट पट्टी पे हम लोग पढ़ते थे और उसमें पढ़ाई मैंने किया, और उसमें बचपन में जब मैं और आगे बढ़ा, जब स्वामी करपात्री रानीगंज में गया हाई स्कूल करने के लिए, 9, 10, 8 के बाद 6, 7, 8, फिर 9, 10 वहाँ पढ़ाई किया, तो वहाँ पर जो है हमको समस्याएं बहुत आई। जैसे समस्याएं आई कि कॉलेज बढ़िया होना चाहिए, खेल की व्यवस्था उस समय नहीं थी बढ़िया, स्टेडियम होना चाहिए, और हर सुविधा, मुझको लगा कि अगर रानीगंज होता तो हम प्रतापगढ़ क्यों जाते, प्रयागराज क्यों जाते पढ़ने के लिए। तो उसको मैंने सोचा कभी, मैं सोचा कि कभी मुझको भगवान ने अगर शुभ अवसर दिया, बालाजी महाराज, माँ बराज देवी, तो मैं जरूर काम करूंगा रानीगंज के लिए, और निश्चित अपने गांव के लिए काम करूंगा, अपने क्षेत्र के लिए काम। आज मैं प्रसन्न भी हूँ, उसके लिए मैं काम कर भी रहा हूँ। जैसे हमारी टीम बता रही थी सर कि आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि आपको, आपने LLB भी किया है, अधिवक्ता भी रहे हैं, आपको स्पोर्ट में कौन सा गेम आपको पसंद था, कौन सा खेल खेलते थे और क्यों? क्रिकेट हम बहुत खेलते थे जी, कबड्डी भी खेलते थे जी, वॉलीबॉल भी खेला हूँ,
फुटबॉल भी खेला हूँ, सबसे फेवरेट, लेकिन क्रिकेट ज्यादा खेले। अच्छा, वर्तमान समय में भी आप ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। अभी देख रहा था कि 1100 करोड़ का आप फिर एक परियोजना ले आए हैं, तो आप बैटिंग धमाकेदार कर रहे हैं। लेकिन सर, ये आपका जो आपने आपका जीवन ही संघर्ष रहा, आपने जीवन कहाँ समर्पित किया, आप विद्यार्थी परिषद से कब संपर्क में आए, उनसे जुड़ा हो, पहला आंदोलन आपका कौन सा रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं तिलक कॉलेज में जब पढ़ने गया कक्षा 11 में, जी सर, तो वहाँ पर हम एडमिशन लिए, तो वहाँ बिल्डिंग फीस लिया जाए, तो कुछ गरीब के बच्चे थे, वो कहे हम 20 रुपया नहीं दे सकते हैं, कुछ दे दिए और कहे कि जबरदस्ती, और बिल्डिंग फीस बनी नहीं, मतलब बिल्डिंग बनी रही, पैसा ले लिए, 20 रुपया उसमें बहुत था। जी जी बिल्कुल, 92-93 में बिल्कुल सर 20 रुपया बहुत था, तो बनाया नहीं बिल्डिंग। तो मैंने आंदोलन खड़ा किया, हमने कहा बनी नहीं तो पैसा आप वापस करो। तो मैंने जो है चक्का जाम किया, स्कूल बंद कराए, और छात्रों ने हमारा फुल सपोर्ट किया, और प्रिंसिपल को झुकना पड़ा, पुलिस भी आई, और मैंने 20-20 रुपया सभी छात्रों को लाइन लगवा के मैंने दिलवाया। पहला आंदोलन मेरा ये था। फिर MD PG में, उसी बगल में मैं आया MD PG में पढ़ने के लिए, वहाँ भी छात्रों के लिए, वहाँ भी जो है कोई समस्या आ जाती प्रवेश के लिए, वहाँ भी कोई समस्या आ जाती कि यहाँ पंखा चलना चाहिए, डेस्क बेंच होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ये सब की व्यवस्था हम लोगों ने करने का काम किया। आप समझ लीजिए कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ाई MD PG में कर रहा था, मैं आपसे कह, उस वहाँ भी बहुत संघर्ष। सर, आप जनसंपर्क के दौरान बीच में इंटरव्यू हम फिर शुरू करेंगे, अगर आपको कहीं मिलना हो, अगर जाना हो, तो आप चल सकते हैं, फिर हम लगातार पूछते रहेंगे। अगर आपकी यहाँ बैठक हो, क्योंकि आगे बैठक है, जी जी, जब यहाँ रेलवे क्रॉसिंग हमको लग रहा है। अच्छा, लोग बबलू जी खड़े हैं, चलिए ठीक है सर। तो मैं सवाल पूछता हूँ कि विद्यार्थी परिषद ने आपने बताया, सर आपको विद्यार्थी परिषद के बाद आप युवा मोर्चा में, भाजपा भारतीय जनता पार्टी में कब आप उनसे जुड़े, और सबसे पहला आपने काम क्या किया, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे, मैंने रिसर्च बता रहे थे, आप अधिवक्ता रहते हुए रानीगंज के बहुत सारे केस लड़ते थे, आप खुद ही परवरिश फ्री में करते थे बहुत लोगों, तो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुना? आपके पास तो बहुत ऑप्शन हो सकते थे, तब भाजपा का वर्चस्व भी नहीं था रानीगंज में, आज रानीगंज में भाजपा दिख रही तो लोग कहते हैं कि धीरज ओझा के दिन है, तो उस समय क्या माइंड में कब था भाजपा ही क्यों चुनी जाए? भाजपा जब विद्यार्थी परिषद जुड़े, हमारे पिताजी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक में थे, हमारे परपादा भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक में थे, हमको भारतीय जनता पार्टी का विचार, धारा 370-35 से कश्मीर में हटे, राम मंदिर बने, राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी में दिखती है और दलों में नहीं है, तो राष्ट्रवाद के कारण हिंदुस्तान ऐसे चमके, राम मंदिर बने, धारा 370-35 से खत्म हो कश्मीर में, आज वो खत्म हुआ, इसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। और दूसरी बात, यहाँ के नेता हमारे सब ईमानदार हैं, चाहे हमारे उस समय प्रधानमंत्री उस समय थे अटल जी, वो भी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, हमारे इसमें श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी, तो आपसे मैं कहा इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जुटा और भारतीय जनता पार्टी लिए संघर्ष किया कि पिताजी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा बहुत, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की बींग बनाया राजनीति, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विचार है हमारे, जो हिंदुस्तान को तरक्की के लिए, हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए, ये सब का पार्टी में हो रहा है, इसलिए केवल राष्ट्रवाद और यहाँ भ्रष्टाचार नहीं, और मैंने ये दे भी देखा, इसलिए और जुड़े, मैंने देखा कि एक बूथ अध्यक्ष भी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यहाँ पर मैंने देखा पदाधिकारी बन सकता है, उसको सम्मान, और दलों में नहीं है, और दलों में ज्यादातर राजनीतिक परिवार ही रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखा किसी को बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जो इस समय है, देखिए कि पहले चाय बेचते थे, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस पार्टी में कोई कहां आके बैठ जाए, आज मैं विधायक हूँ, मैं कार्यकर्ता से काम करते करते मुझको टिकट दिया, विधायक बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए मैं जुड़ा हूँ राष्ट्रवाद, और यहाँ के जो पार्टी का बढ़ाने का, आप जो काम करेगा उसको इनाम मिलेगा, इस पार्टी में जो काम करता है उसको इनाम मिलता है। सर, ये तो आपके बचपन और स्पोर्ट और आपके राजनीति में आने का, पहला चुनाव आपको लड़ने का ख्याल कब आया, और पहला चुनाव कितना चैलेंजिंग रहा, उस समय आप किस तरीके से देखें कि चुनाव में ही क्यों आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे समाजसेवी अधिवक्ता आप अच्छे थे ही, परिवार से ऐसे थे कि आप लोगों की मदद कर सकते थे, चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आ गया? कई चीज़
जैसे अधिवक्ता रहते हुए मैं उनका काम कराता था, युवा मोर्चा अध्यक्ष भी था, काम कराता, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है कि बिना विधायक बने हम वो काम रानीगंज नहीं करा सकते थे। इसलिए मुझको हुआ कि मैं अब मुझको टिकट मांगना चाहिए और मुझको राजनीति में उतरना चाहिए और तेजी में। तो 2012 में मैंने टिकट मांगा पार्टी से, पहली बार मैं मांगा। तो 2012 में हमको टिकट नहीं मिला, उस समय पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण उनको मिल गया था, तो हम लोगों ने उनका प्रचार भी किया था। फिर हमने कहा तैयारी मेरी स्टार्ट थी 2012 में भी मैंने तैयारी किया था, उसके बाद भी मैं तैयारी करता। फिर 2015 में जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, पंचायत का, तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हम लड़े, पहली बार चुनाव उतरे और हम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते। इकलौती सीट उस समय 61 में से मैं इकलौता जिला पंचायत सदस्य चुना गया था, प्रतापगढ़ में मैं चुनाव जीता, कम है उठ, लेकिन मैं चुनाव जीता। फिर मेरा मन हुआ कि अब हमको विधानसभा भी चुनाव लड़ना चाहिए और मैं मांगता भी रहा टिकट, कई लोग और भी मांगे। फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट दिया और यहाँ की जनता ने हमको विधायक बनाया। तो निश्चित है कि मेरा राजनीतिक 2012 से जो मैं सोचा कि अब चुनाव लड़ना चाहिए, संघर्ष बहुत किया हूँ, सब लोग जान गए हैं, और समाज के लिए और कुछ करना है हमको, यहाँ और कुछ देना है रानीगंज में, इसलिए मैं 2017 में विधानसभा में यहाँ की जनता ने हमको पहुँचाया। आज मैं यहाँ पर काम करके 4.5 सालों बड़ा प्रसन्न हूँ कि मैंने विकास के काम बहुत करा। सर, इसी पे मैं एक सवाल आपसे व्यक्तिगत पूछना चाहूँगा। मेरी रिसर्च टीम बता रही थी कि माता जी से आपका बड़ा लगाव था, वो आपको देखना चाहती थी कि विधायक बने। माता जी को कितना मिस करते हैं, शायद आपके विधायक बनने से कुछ महीने पहले शायद उनका देहांत, तो माता जी की कौन सी या पिताजी की कौन सी बातें आज प्रेरणा देती हैं लोगों से जुड़ने, काम करने के लिए या खुद के जीवन में? जहाँ तक हमारी टीम, आप परिवार को लेकर चलते हैं, सारे लोगों को चलते हैं, रानीगंज को अपना परिवार मांगते हैं, जबकि विधानसभा में और विधायकों और दल में देखने को कम मिलता, कुछ ऐसी यादें या उनसे क्या सीख आपको प्रेरित करती है कुछ करने? पिताजी हमारे बहुत सच्चे आदमी थे, झूठ बोलते नहीं थे, गाली देते नहीं थे, और उन्होंने संघर्षों में हम लोग को पाला। जमीन हमारे पास बहुत है, अभी भी है प्रॉपर्टी, ये हमारी पुश्तैनी है, और लेकिन पिताजी ने पूरी प्रॉपर्टी को बचा के रखे, हम लोग को LLB कराए, पढ़ाए, कई लोग टीचर भी घर में है। तो पिताजी का संघर्ष हमने देखा कि हम लोगों को पढ़ाने के लिए, और अपनी बात को अच्छे ढंग से रखते थे उनका, और उनकी बात मैंने देखा गांव में कि अगर किसी को बुला लेंगे तो सच्चाई बोलेंगे, हमारे पिताजी थे तो उनको जब बुलाते तो बात सच कह देते और बात लोग मानते थे। और हमने देखा हमारी माताजी भी, जो हमने देखा इतनी बड़ी खेती कराती थी, वो पिताजी भी कराते थे, हमने देखा कि हम लोग को खाना भी बनाए, खिलाए भी, फिर जा जाए खेत में, और फिर खेत में चाहे गेहूं कटता हो, चाहे अरहर, कुछ भी खेती हो, चाहे आलू, वो देख के काम फिर चली आए, मतलब पढ़ाने और दिखे, शिक्षा भी देते थे पिताजी कि पढ़ो जरूर। वो खुद गणित हम लोग को पढ़ा लेते थे, अंग्रेजी, क्योंकि वो पढ़े LLB भी थे, MEd BEd भी थे हमारे पिताजी, तो बड़े पढ़े, मतलब पढ़ने वाले थे, टीचर की नौकरी भी इस्तीफा दे के चले आए थे किसी कारणवश। तो ऐसे हमारे पिताजी थे कि वो एक हम लोग को प्रेरणा दिए सच्ची बात का, संघर्ष कैसे बढ़ा जाता है। माता जी को मैंने देखा, वो भी अगर पिताजी गए कचहरी में, कोई काम है, बाहर चले गए, तो माता जी हमारी पूरा घर का ख्याल रखती थी और पूरा संघर्ष मैंने देखा कि पूरी खेती कराती थी, उसको कैसे घर में अनाज को लाना, कैसे उसकी व्यवस्था करना, ये सब, गाय पालना, भैंस पालना, दूध हम लोग को पिलाना, ये सब काम। अब तो हमसे 2 गाय नहीं पाल पाए, वो तो 6-6 गाय 8-8 गाय पालती थी माता जी, 2 भैंस कई पालती थी। तो माता जी का काम ये देख के कि इतना काम भी करते हैं, और बाहर भी कभी काम, और प्रतापगढ़ भी चली जाती उसी में, टाइम निकाल के मिल भी लेती परिवार से भी, फिर चली आती, तो सब चीज हम लोग ने देखा, हमको प्रेरणा दी माता जी पिताजी के सच्ची बात का और उनके आशीर्वाद से आज जो कुछ हूँ उनके आशीर्वाद। बीमार भी हुए तो मैं संघर्ष खड़ा हुआ। माता जी हमारी 16 दिसंबर 17 में विधायक बना, उसमें जो है 16 दिसंबर को हमको तब टिकट नहीं मिला, उसके 10-15 दिन बाद टिकट मिलता है, हमको छोड़ चली है। और माता जी बीमार थी उसके पहले 2015 में कह रही थी, जब मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा, कहीं हमारा बेटा ही जीतेगा,
और आप सबसे पूछ लीजिएगा, मैं अपने मुझ से नहीं, जो भी हमारा दोस्त यार कोई भी जाता, अगर उनको देखने भी जाता था, एक महीने बीमार थी डेढ़, तो कहते थे हमारा बेटा ही टिकट पाएगा। उनको जैसे कॉन्फिडेंस था टिकट हमारा बेटा पाएगा, तो उनका आशीर्वाद हमको मिला। और जाते जाते उन्होंने, जब पीजीआई में मैंने एडमिट कराया था, जाते जाते 1 बजे रात को हमको छोड़, मैं था उसमें, और छोड़ के चली गई। लेकिन उनका आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद, माताजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है। और निश्चित है उन्होंने एक बात कहा था पिताजी माताजी ने, मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि बेटा तू ही परिवार लेके चल सकते हो, परिवार जो है लेके चलना जरूर, कुछ लोग गड़बड़ भी रहे तो उनको लेके आपको चलना है। तो उनके प्रेरणा से आज मैं परिवार भी लेके चल रहा हूँ, और रानीगंज को भी अपना परिवार मानता हूँ, और मैं उसको भी लेके चल रहा हूँ। तो निश्चित है ये प्रेरणा देने का काम माता पिताजी का है, उनके आशीर्वाद से मैं जो आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। और निश्चित है माता पिता की अभी भी कमी हमको खलती इसलिए है कि कोई डांटने वाला, जैसे हम 2 बजे रात को भी टहल रहे हैं, अगर माता जी हमको, जब हम 10 बजे पहले, आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 9 बजे अगर वो यहाँ भी है रानीगंज में थी भवनमई में, तब भी वो सोचे कि मैं घर पहुँचा कि नहीं, उनका फोन सोते वक्त एक बार अगर सो भी तब भी उठ के पता करेंगे धीरज घरे पहुँचे ना, तो तुरंत फोन लगा दें मोबाइल पे, PMT भी फोन हमारे घर थी उससे भी लगा दें, तो धीरज घरे पहुँचे कि ना, मतलब चिंता उनको रहती थी कि हमारा बेटा घर पहुँच गया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। ये चिंता अभी भी मुझको लगता है कि माता पिताजी कितना ख्याल रखते थे हमारा, कि वो ख्याल कोई नहीं रख सकता। मैं देख रहा हूँ कि भोजन मिला कि नहीं मिला, चाहे रात को आओ चाहे दिन को, अगर कभी भी हम 8-10 दोस्त भी आ गए कल, तो मैं देखा खाना बन जाता था, खाना हम लोग खिला देते थे, उतना बना के रखती थी, उतना व्यवस्था कर लेती थी। ये सब काम हम लोगों ने देखा, तो माता जी की कमी तो हरदम खलेगी। आज वो देखती कि इनका बेटा, चलो ऊपर से आशीर्वाद मिल रहा, लेकिन ये देखती कि आज उनका बेटा विधायक है, अच्छा काम भी कर रहा है। माँ बराही देवी दर्शन करती थी, कुल देवी हमारी, ये शक्तिपीठ, सोमवार शुक्र को जरूर पैदल जाती थी दर्शन करने माता जी। आज मैं, मुझको आशीर्वाद देवी माँ दी, आज मैं वहाँ पर सौंदीकरण दादूपुर का स्टेशन माँ बराही धाम कर रहा हूँ। ये सब काम माता जी की प्रेरणा से हुई। कुछ बातें सार्वजनिक जीवन पे आने के बाद भूली नहीं जाती। आंखों की चमक और गले में अगर आपको भारीपन लगे तो समझ सकते हैं कि बहुत चीजें बयां नहीं की जा सकती। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगेंगे, लेकिन एक नेता आज भी सबसे ज्यादा अगर सुकून कहीं पाता है, अगर सबसे ज्यादा प्यार इसने पाता है, तो माँ के आंचल और चरणों में पाता है। उनमें से विधायक रानीगंज के ऊपर आप कुछ भी कैसे भी कहें, लेकिन आज इनकी बातों से एक बात आपको स्पष्ट निकल के आएगा कि सच्चा रहना जरूरी है, सच्चाई के लिए लड़ना जरूरी है, और माँ के दिखाए हुए रास्ते पे कभी नहीं देखते 2 बज रहा 3 बज रहा, लोगों के लिए काम करते। सर, विधायक बनने के बाद सबसे पहला आप काम क्या किए? जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, बिजली व्यवस्था नहीं थी, रोड नहीं थी, ऐसे आप काम अगर बताना आपको याद हो तो आप बताएं कि ऐसे कौन कौन से काम हुए, और दूसरा सवाल इसके बाद रहेगा कौन कौन से काम आप कराने वाले हैं। तो कौन सा पहला काम कराया जब 2017 में आप विधायक बन गए? सबसे पहला मैंने काम कराया, जैसे मैं विधायक हुआ, 19 तारीख को मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं, 24 तारीख को हम विधानसभा में शपथ लेते हैं, और 29 तारीख को मैंने रानीगंज में ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री से कह के डिवीजन बिजली का करवा लिया। हमारा एक CN, हमारा SDO यही बैठने लगा, रानीगंज में ऑफिस खुलवा लिया। सबसे बड़ी दूसरा काम, मई में मैंने 4 करोड़ रुपया इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आए, उसको बजट में, जो हमारा बजट आया अप्रैल मई का, जो हमारा लेट उसमें बजट आया था, मार्च में नहीं, आपको 19 मार्च को हमारे सत्ते हुआ, उसका अप्रैल मई में, उसमें पहले बजट में ही मैंने 4 मंत्री जी से कहकर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मैंने करवा लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है पूरे प्रतापगढ़ में, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है हमारे क्षेत्र में और बन के तैयार हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, MBA BTEC के बच्चे यहाँ पढ़े, इसके लिए हम लोगों ने काम किया, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा काम मैं आपसे, तीसरा काम मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत बताऊंगा, कानून व्यवस्था इतनी खराब रहती थी और बिजली की व्यवस्था भी बड़ी खराब रहती, रोज लूट हत्या अराजकता मची रहती थी। लेकिन जब मैंने कहा कानून का राज मुख्यमंत्री जी चाहते हैं और कानून राज रानीगंज में रहे प्रतापगढ़, मैंने 2 थाने ले आए,
देलूपुर दिलीपुर और सवंसा की चौकी खुलवा दिया तुरंत। जैसे मैं विधायक बना कि सवंसा की चौकी खुलना चाहिए, सवंसा चौकी खुल गई, दो चौकी और ले आए कसेरुआ में और अपने मीरापुर में ले आए रिपोर्टिंग चौकी। तो और हर जगह उसका हमने बैरिकेड लगवाया हर जगह, चाहे पावर हाउस हो चाहे खीरी बीरी घाट, मतलब जहां जहां गड़बड़ियां होती थी हमारे बैरिकेड वहां पुलिस दिखने लगी। ये काम हम लोगों ने कराया। फिर और आपसे करा पॉलिटेक्निक लिए बहुत बात होती थी, पॉलिटेक्निक बन जाए तो हमारे बच्चे यही पढ़े, उसको ले आया। एक मैं जरियारी में ITI ले आया, दो ITI और आ गई हमारे देलूपुर में, बेलखना चलाकपुर भगवान बनेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, मतलब कि शिक्षा की व्यवस्था भी। एक GGIC दादूपुर में ले आया, दादूपुर में वो बन के तैयार हुआ बहुत जल्दी। इंटर कॉलेज यहाँ पर एक नौडेरा में बन रहा है, बनेगा। एक मैंने BSc BCom कक्षा अब चलेगी वहाँ स्वामी करपात्री गोसाईपुर में चलेगी शिक्षक। और सुनिए, प्राइवेट सब सरकारी चीज ले आया। इस सरकारी चीज आने से हमारे छात्र छात्राएं जो बाहर प्रयागराज पढ़ने जाते थे, लखनऊ पढ़ने जाते थे, ये सब पढ़ने न जाए, मतलब यही पर पढ़े, बाहर न जाए, उनको शिक्षा की व्यवस्था हम लोग देंगे, उनको शिक्षा हम लोग देंगे, यही पर शिक्षा दे। खेल के लिए मैं स्टेडियम ले आया, फिर घोषणा कराया नजियापुर में बहुत बड़ा, आज स्टेडियम भी बन के तैयार हो रहा है। तो ये काम हम लोगों ने करने का काम किया। सर आपसे हम आगे भी बातचीत करेंगे, यही विराम देते हैं। मैंने सुबह से ही सफर दिखा रहा हूँ कि विधायक किस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं। गाड़ी में बातचीत मैंने बचपन की दिखाई और प्रारंभिक शिक्षा की दिखाई। 2017 में विधायक बनने के बाद उनके काम क्या क्या रहे और आगे क्या काम करने वाले हैं। इसी बीच उन्होंने गाँव में उनका जनसंपर्क लगा हुआ था, यहाँ उतरे हुए हैं। मैं आपको दिखा दूं, घड़ी में 9:38 हो रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने पूजा किया और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन मैं शिवम हैरी से कहूँगा दिखाएं कि जिस तरीके से आपार जनसमूह लग रहा है कि ये उनको सुनने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए जो यहाँ भीड़ उमड़ी है, कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता उनके काम को दर्शाती है। अब आगे बातचीत करेंगे उनसे जो छूट गए थे बात, आपको दिखाएंगे आगे उनका। गाड़ी में बातचीत ही चल रही थी कि एक जगह जनसंपर्क के दौरान विधायक जी उतरे, वहाँ हमारी टीम ने जो कई लोगों से बातचीत की, वहाँ जनसुनवाई के दौरान कई सारे विधायक जी ने प्रोमिसेस की कि वहाँ कैंप लगना चाहिए और भी चीज़ें हैं, कितने आवास मिले, बहुत चीज़ों पे बात हुई। बात हमारी ख़त्म हुई थी गाड़ी पे विधायक जी कि आपने कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, महिलाएं अब सुरक्षित हैं। तो महिलाएं सुरक्षित हैं क्या, महिलाओं के शिक्षा के लिए और स्पोर्ट के लिए आप क्या कहें? जैसे खेलो इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा सपना है, और स्पोर्ट के लिए क्या है रानीगंज में, क्योंकि मनोज तिवारी यहीं से एक क्रिकेटर है जो IPL और इंडियन टीम के लिए खेले। आपके कार्यकाल में क्या हुआ खेल को लेके और शिक्षा के क्षेत्र में, और क्या हुआ, क्या कराने वाले हैं? देखियो, तो बंगाल चले गए थे, वहां से खेले, यही रहने वाले मनोज तिवारी जी। यहाँ पर मैंने एक स्टेडियम नजियापुर में बनवाया बहुत बड़ा, मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा के, और लगभग बन के तैयार, उसमें लाइट लगना है, केवल हाई मार्क्स लगना है, और बन के पूरा इंडोर स्टेडियम है। खेलो इंडिया का जो हमारे प्रधानमंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैंने यहाँ पर इतना बड़ा स्टेडियम बनवा दे, प्रशिक्षक भी अब रहेंगे, किसी खेल में वो जाना चाहें, चाहे भाला फेंक, चाहे फुटबॉल, चाहे वॉलीबॉल, चाहे दौड़, चाहे बैडमिंटन, टेनिस, किसी खेल में हो जाना चाहेंगे, अब उन प्रतिभा को, इस रानीगंज की प्रतिभा को, बेटा और बेटी को हम यहां से उसको प्रशिक्षण जब करवा देंगे तो यही का बेटा बेटी आगे जाके खेलेगा, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। खेलों के बारे में हमने एक चीज और कराया, यहाँ जो पुराने हमारे कहीं कोई राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जीते हैं, कोई उत्तर प्रदेश टूर्नामेंट, हमको हमने उनको सम्मान भी किया। बिल्कुल, मैंने अभी देखा है, अभी 16 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के पूर्व तिथि भी मैंने किया अटल जी के। तो आपसे कहना चाहता हूँ कि खेल के प्रति, मैं यहाँ पर टूर्नामेंट दो कराता हूँ बड़ा, एक बराही देवी के नाम से टूर्नामेंट, एक हमारा होता है राजापुर हवाई अड्डे पे, दोनों क्रिकेट का, और बाहर की टीमें आती हैं उनको प्रोत्साहन, पूरा टूर्नामेंट हम देखते हैं, पूरा पूरी व्यवस्था हम लोग देखते हैं, और बड़ा टूर्नामेंट होता है, बड़ी बड़ी टीमें आती हैं। तो खेल के प्रति क्रिकेट भी अच्छा खेले, यहाँ के लोग भी आगे जाना चाहिए, पहले रानीगंज के लोग कोई जाता ही नहीं था आगे। अब मैं चाहूँगा कि जब स्टेडियम बन के तैयार हो गया और वहाँ के बच्चे जब, यहाँ के बच्चे जब खेलने लगेंगे तो बाहर नाम रोशन करेंगे, यहाँ के बच्चे खेल सकते हैं कई वो चीज़। आपने मनोज तिवारी के नाम, और भी हैं तिवारी,
लेकिन उनको ये प्रशिक्षण नहीं मिला। अब उनको मिलेगा, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे और रानी इनका बेटा और बेटी हिंदुस्तान से बाहर भी जाके स्वर्ण पदक हिंदुस्तान के लिए लाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या काम किया और क्या करें? जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज आपने बताया, उसके अलावा क्या क्या आपने, क्योंकि जनसंपर्क के दौरान आपने कई कॉलेजेस के नाम गिनाए। खामपुर दुबे पट्टी पॉलिटेक्निक बन रही है, GGIC बन रहा है दादूपुर में, BSc बीकॉम की कक्षा चलेगी गोसाईपुर में, आप सुनते रहिए, ITI 2 देलहूपुर और चलाकपुर भगसान, एक जरियारी बन के हमारी तैयार हो गई। ITI के लिए मैंने काम किया। और आप जानिए, जो जैसे हरनापुर में हाई स्कूल तक है GIC, मैंने उसको 11-12 और करा दिया अपडेट। यहाँ कक्षा 8 तक है नौडेरा में, जो समनसा नगर पर, वहाँ मैंने 9, 10, 11, 12 अभी अपडेट करा लिए, ये भी अब कक्षाएं चलेंगी। शिक्षा के लिए हम लोगों ने काम किया। और आपसे कहना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बन के तैयार हो रहा है, ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या मेडिकल हाँ, होती है। मेडिकल कॉलेज प्रताप बन कर रहा है, 100 के ऊपर बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये मामूली का प्रतापगढ़ बढ़ेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज BTEC MBA के बच्चे भी बाहर के भी पढ़ने आएंगे, मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भी, तो प्रतापगढ़ बढ़ेगा। ये शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बड़े नेता है सब चले गए, लेकिन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब कभी नहीं बनवा पाए। ये हमारी सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, मैं विधायक बना तो आज बन रहे, तो शिक्षा के लिए बड़े काम हुए यहाँ पर। सर, शिक्षा की बात हो गई, खेल की बात हो गई, अभी वर्तमान समय में मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, लोगों का आवास दिए जा रहे हैं, जब आप क्षेत्र में जनता से मिलते हैं तो इस पे क्या फीडबैक देते हैं लोग आपको? एकदम मैं जाता हूँ, मोदी जी से बहुत प्रसन्न है जनता कि उनको मुफ्त अनाज कोरोना काल में फ्री देने का काम जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, उनको समझ लीजिए कोरोना काल में जब वो लोग काम उनका बंद हो गया, धंधा उनका बंद हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी सबको मनरेगा में काम दिए, सबका पैसा आया, जनधन योजना में पैसा दिया गया, उनका पैसा आया, और गरीबों का जो मुफ्त अनाज दिया गया, चाहे चना हो, चाहे हमने देखा कि दाल हो, चाहे गेहूं हो, चावल हो, इतना कभी दिया, कहते हैं गरीब इतना हम लोग कभी पाए नहीं। ये पहली बार मेरी सरकार जो मोदी जी की है, हमारे प्रधानमंत्री जी, इतना अनाज गरीबों को पहली बार दिया गया, पूरी जनता प्रसन्न है। और जनता जो है कहती है ऐसे प्रधानमंत्री बारंबार रहे, ऐसे प्रधानमंत्री जी हरदम रहे, और निश्चित प्रधानमंत्री के प्रति और मुख्यमंत्री के प्रति उनको मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत आशीर्वाद जनता गरीब दे रही है। कैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हुए जो ने गरीबों को सुध लिया, इसलिए जनता बहुत प्रसन्न है। अच्छा, एग्जिट पोल में कई चैनल दिखा रहे थे कि फिर भाजपा की सरकार बन रही है, आप कितने नंबर देने चाहेंगे योगी सरकार को? आप उस सरकार के विधायक भी हैं, तो कितने नंबर देने चाहेंगे आप? देखो, मेरी सरकार ने हर चीज में काम किया, मेडिकल में काम किया, जो नौकरी हम लोग ने 5 लाख दिया उसमें 1 रुपया नहीं लगा, युवाओं को रोज नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने दिया और 1 रुपया उनका कहीं नहीं लगा, ये हमारी सरकार की उपलब्धि। और आपसे कह रहा, बिजली की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ थी, हमारी सरकार ने बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई, गुंडा राज था सपा सरकार में, आज गुंडाई खत्म हुई, भ्रष्टाचार पूरा था, पूरा पैसा खा लेते थे लोग, आज भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी को 100% देना चाहता हूँ, हर चीज में उन्होंने काम किया, हर जगह हर विषय में काम किया, महिलाओं के लिए काम हुआ, और मैं कहता हूँ गरीबों के लिए काम हुआ, योजना क्रियान्वयन हुई गांव में, पहली बार आवास सब पा रहे हैं, आवास केवल कागज में होते थे, आज आवास पा रहे हैं, शौचालय पा रहे हैं, खड़ंजा पा रहे हैं, इंटरलॉकिंग, मतलब अब दिखाई देने लगा, पहले केवल कागज में होते थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब हमारी सरकार जो है हर चीज में ध्यान देने का काम किया, और मैं मुख्यमंत्री जी को 100% देता हूँ कि हर चीज उन्होंने काम करने का काम किया। अच्छा, इसी पे एक सवाल है, जब सब काम ग्राउंड पे हो रहा है तो किसान क्यों इतना आक्रोश है, आंदोलन, क्या आपको नहीं लगता कि इस पे राजनीति हो रही है, विपक्ष भड़का रहे हैं, इस पे आपका क्या राय है और किसानों को कितना लाभ मिला है मोदी सरकार से, योगी सरकार से? आप देखिए, किसानों को कोई भड़का रहा है, किसान कौन है आप सब जान रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरी सरकार बनी तुरंत हमारे पहले ही कैबिनेट में 1 लाख रुपया सबका कर्जा माफ कर दिए मुख्यमंत्री जी। किसान को आज बीज मिल रहा है, किसान को आज खाद मिल रही है, किसान को आज बिजली मिल रही है, किसान, पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, किसान
बीज और खाद के लिए उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ता था बिजली के लिए, लेकिन आज किसान को लाठी नहीं मिल रही। किसान को आज हमारे मुख्यमंत्री जी हर सुविधा, गन्ना किसानों की इतना बड़ा भुगतान कभी नहीं हुआ। किसानों का जितना काम हमारी सरकार ने किया उतना काम कभी नहीं हुआ। और जो ये भड़काने का काम करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये केवल विपक्ष वाले भड़का रहे हैं। और आप देखिएगा कि आंदोलन जहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ इधर तो पूर्वांचल कुछ नहीं आंदोलन है, थोड़ा पश्चिमी में है, हरियाणा पंजाब में थोड़ा वहां पर है, कुल पश्चिमी में है, थोड़े बहुत है वो भी आंदोलन, मैं आपसे कह रहा केवल पूंजीपतियों को पहुंचाने के लिए विपक्ष की चाल है। विदेशी लोग से लोग मिल गए हैं, इसलिए इस आंदोलन को किसान आंदोलन किया जाता है। किसान आंदोलन नहीं है, वहां आप देखिएगा किसान आंदोलन के नाम पे वहां दारू पिया जा रहा है, आप देखे होंगे टीवी चैनल दिखाई दिया, वहां देखे होंगे कि वहां खाना कैसे पनीर खाया जाए, किसान है कैसे कैसे लोग खा रहे हैं वहाँ। आपसे समय का अभाव है, समझता आपसे आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है कि रानीगंज में और कौन से काम होने चाहिए आप दोबारा चुन के जब आते, क्योंकि जिस तरीके से जनसैलाब दिख रहा है, लोगों को हुजूम लग रहा है, तो आप चुन के आ रहे हैं, तो क्या ऐसे काम आप करेंगे आप दोबारा जो छूट जा रहे हैं? मैं सबसे पहले विश्वविद्यालय यहाँ बनाऊंगा, हमारे लोग विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर यही पर पढ़े, क्योंकि विश्वविद्यालय यहाँ नहीं है, विश्वविद्यालय बनाओ। औद्योगिक क्षेत्र जो मैंने संसारपुर बनाया वहाँ रोजगार फैक्ट्री कैसे लगे, उनको रोजगार युवाओं को देने, खेल के प्रति बढ़ावा और हो और स्टेडियम बढ़े, शिक्षा के लिए और भी काम हो, जैसे मैं आपसे कहना चाहता और भी कॉलेजेस हों और भी उनके सरकारी चीज हो, उसकी भी फार्मा और माओ इसके लिए भी काम करूंगा। जो काम और बचे हैं, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ माँ बराही देवी कुल देवी शक्तिपीठ है, वहाँ भी जो काम बचे हुए हैं, स्टेशन हमारा सौंदर्यीकरण हो और माँ बराही देवी कुल देवी और लोग बाहर से दर्शन कराए, उसकी भी व्यवस्था बचे काम उसको भी कराएंगे। और आपसे कहना चाहता हूँ जो काम और बचे, जैसे कि कहीं कहीं पुल अभी बनना है, कहीं पुल अभी हमने 11 पुल बनाया है, लेकिन और कहीं पुल बनना है, उस पुल को भी हम बनाएंगे कि पुल जो है बन जाएगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उनको विकास से और जोड़ेंगे, नदी खुल जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए मैं कहना चाहता हूँ ऑक्सीजन प्लांट मैंने चालू कराया ट्रामा सेंटर में, 50 बेड का अस्पताल जल्दी से बन के तैयार हो जाए महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था उनकी यहीं पर हो जाए, वो यहीं पर इलाज कराएं, रानीगंज में इलाज कराएं, इसकी व्यवस्था हम लोग करें। सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, युवाओं से आपकी क्या अपील करना चाहेंगे सरकार को लेके 2022 के चुनाव, क्योंकि तैयारियां तो बहुत जोरों शोर से, आखिरी सवाल है। युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं, ये सरकार युवाओं के लिए इसलिए है कि जो वैकेंसी हम लोग ने किया 5 लाख, एक रुपया उनका कहीं नहीं लगा, जो अच्छे टैलेंट थे उनको नौकरी देने का काम हमने किया। तो युवा हमको खेल के प्रति हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, युवा हमको देखे, युवाओं से ये भी अपील करा, राष्ट्रवाद जो मोदी योगी की सरकार धारा 370 हमारे मोदी जी ने खत्म किया, 35 से कश्मीर हमको एक किया, और मोदी जी विश्व के नेता हुए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वह इस पे ध्यान दे, राम मंदिर बन रहा है प्रभु श्री राम का अयोध्या में, जो हम लोग का इतने वर्षों से कल्पना थी प्रभु श्री राम का राम मंदिर बना, राम मंदिर बन रहा है, इसके लिए युवा ध्यान दे। दूसरी बात, गंगा जमुना सरस्वती यहाँ पर संगम है प्रयागराज में, इतनी 2019 में जो महाकुंभ हमारे कराए मुख्यमंत्री जी प्रधान, इस पे ध्यान दे, हमारा काशी चमक रहा है, हमारा मथुरा चमक रहा है, हमारा विंध्याचल माता, हमारा बराही देवी चमक रही हैं। दूसरी बात, हमारे युवाओं से ये भी अपील करूंगा कि अब हम टैबलेट उन युवाओं को देने चला हूं जो गरीब आदमी है, जो बेचारे वो जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनको सोचते हैं कि टैबलेट रहे तो हम उसी में सब देख लें, तो हमारे मुख्यमंत्री जी अक्टूबर से उनको टैबलेट देने चल रहे हैं। तो मैं युवाओं से कह रहा हूँ टैबलेट लेकर वो पढ़ाई पर ध्यान दे ज़्यादा, और खेल पर ध्यान दे, माता पिता का आशीर्वाद लेके काम करे, और आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री युवाओं के लिए काम, फिल्म सिटी जो बन रही है हमारे नोएडा में, हमारे मुख्यमंत्री जी बना, आप समझ रहे हैं, जैसे बंबई में लोग हमारे युवा जाते हैं, यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में उनको रोजगार का सुबह अवसर मिलेगा, इसलिए फिल्म सिटी हमारे मुख्यमंत्री जी बना। युवाओं से मैं अपील करूँ, राष्ट्रवाद के लिए हमको वोट करें बीजेपी को, रोजगार के लिए हमको वोट करें, जो हम लोग वैकेंसी सही ढंग से किया गरीब को किया उसके लिए हमको वोट करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, जो भ्रष्टाचार नहीं हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी संत है, उसके लिए हम लोग को हमको वोट करें। युवाओं से मैं और भी कहना चाहूंगा, खेल के प्रति जो स्टेडियम बन रहा है, जो आपको आगे बढ़ाने का काम, इसके लिए हमको वोट करें। इसलिए मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि युवाओं का भविष्य अगर सुरक्षित है
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी योगी के जवान में सुरक्षित है। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, धीरज ओझा को क्यों जनता 2022 में चुने, आप ये बता दें फिर उसके बाद हम चलते हैं क्योंकि आप काफी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमको चुने, मैंने रानीगंज में गुंडा राज खत्म किया, दलाली खत्म किया, कानून का राज स्थापित किया, विकास की गंगा बहाए, पुलों का निर्माण हुआ, टाउन एरिया शहर को बनवाया और यहाँ पर कई कॉलेज बने, यहाँ स्टेडियम बने। विकास का जो होता है कागज नहीं धरातल पे दिखाया, आप हमको बताएंगे, आप सूसत चले जाइए और बारघाट पुल बन रहा है, बकुलाही धाम का पुल बना है, संसारपुर घाट का पुल बना है, आप नारायणपुर कला जाए कोठरा चले जाइए, आप भीटी चले, सब जगह पुलों का निर्माण, जहां गरीब की सिंचाई नहीं हो पाती थी वहां भी नहरों को मैंने सफाई करा दी। कलानी माइनर आप जाइए, आप बिरईपुर जाइए, आप दमदमा माइनर जाइए, हमने कराया। बिजली की समस्या जहां है उनको ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हमने करा, आज बिजली हम लोग 18 से 20 घंटे दे रहे हैं, आज उनको बिजली हम लोग पर, इसलिए हम कोर्ट करें। हम लोगों ने जो काम किया है क्षमता वृद्धि ट्रांसफार्मर 63 से 100 कराया, 100 से 250 कराया, 250 से 400 हमने कराया, कई ट्रांसफार्मर कराया, सब MB जितने ट्रांसफार्मर हो गए, इसलिए हम कोर्ट करें। मैंने जनता को सुलभ रहे, विधायक पहले मिलते नहीं थे, मोबाइल बंद करके 4 साल नहीं दिखते थे, 4.5 साल आप पूछ लीजिए। मैं ऐसा विधायक हूँ, जब से 17 से मैं विधायक बना हूँ मैं जनता में दिख रहा हूँ और कोई नहीं कह सकता विधायक नहीं आए। आपसे चैलेंज करता हूँ, आप जाए मीडिया के लोग, आप है, आप जाइए पूछ लीजिए, विधायक आते हैं, कोई नहीं कहेगा विधायक नहीं आते, का परिवार आता है, विधायक काम करते। मैं जनता का सुलभ हूँ और रानीगंज का बेटा हूँ, भवनमई का निवासी हूँ, यही का हूँ, कहीं भागता नहीं हूँ और शुद्ध राजनीतिक हूँ, कोई काम नहीं, छात्र जीवन से राजनीति करके बढ़ा हूँ, युवा मोर्चा में था, अब मैं बंबई और दिल्ली से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ ग्राउंड पे काम करके आऊँ, इसलिए हम कोर्ट करें। और मैंने गरीब को सुना, छात्रों को सुना, महिलाओं को सुना, जो भी गरीब गरीब आदमी है मैं उसकी बात डायरेक्ट सुना, इसलिए हम कोर्ट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक ऐसे विधायक हैं जो इशारों इशारों में बहुत लोगों को जवाब दे दिए, साथ में एक ऐसे विधायक हैं जो कंप्यूटर और टैबलेट की तरह योजनाओं को गिना भी दिए। फिर एक नई शख्सियत और नए विधायक से मिलाऊंगा, कैसे रहता है उनका दिनचर्या, कैसे लोगों के बीच जाते हैं, कैसी जनसभाएं करते हैं और कितना काम किए हैं, क्या जनता उन्हें दोबारा चुनेगी। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन शिवम हैरी के साथ।